हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो शादी से एक दिन पहले की और जो तैयारियां थी वो चल रही हैं। सारे घर में वाइट वॉश वगैरह हुआ था, तो छत पे जितना भी सामान था वो रखा गया था। तो अब छत को धुलाई चल रही है क्योंकि कल को यहाँ पर सब टेंट वगैरह लग जाएगा, तो इस चक्कर में सारी सफाई तो भी हो जाएगी। और ये लेबर वाले भैया लगा रखे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ गंदगी थी वो हो जाएगी। तो देखिए, अगला दिन हो गया है तो यहाँ पे टेंट के जो कपड़े वगैरह हैं घर सजाने के लिए वो आ गए हैं। तो अब यहाँ पे चल जाएगा टेंट का लगाने का काम और घर को सजाने का। इस तरीके से जो घर को दुपट्टे बांध के सजाया जाता है दूसरे की छत पर, तो ये सारा काम हो रहा है उसके बाद में। और इधर ही इशू कर रही है सूटकेस जो पैक होगा उसको, जो बरीपुरी में जाएंगे ना कपड़े वगैरह भावना के दुल्हन के, मतलब उसके कपड़े वगैरह सूटकेस के जो बरीपुरी का सामान था वो तो मैंने पैक कर दिया था। इशू यहाँ उसका सूटकेस पैक कर रही है, तो इधर ही सारा सामान रखा हुआ है हमारे। इधर ही सारा कपड़े वगैरह जितने भी हैं तो सूटकेस ही पैक होके रख जाएंगे कपड़े वगैरह, और जो बाकी का सामान है वो भी सेट हो जाएगा जिससे कि यहाँ से ही नीचे चला जाएगा। क्योंकि भाभी की तरफ भेजने में फिर वही है कि यहाँ से उठाओ वहाँ करो, तो यहाँ अपना गाड़ी में उस दिन शादी वाले दिन एक जगह कर दिया है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह हैं जितने भी, सबको बैग में, मतलब उनके जो पोलोथीन है उनमें सेट करके बैग में लगा देंगे। तो बैग में वैसे पहले लगा दिए थे, लेकिन जो सूट वगैरह इनके दुपट्टे रह गए थे क्योंकि ये उस टाइम पे सामान में कहीं मिल गए थे, मतलब रल गए थे, गुम हो गए थे, तो मिले नहीं थे, आज मिले हैं। तो ये शिवनी को दुपट्टे का लगा के दोबारा करेगी सेट, फिर उसके बाद में सूटकेस पैक कर देगी। जो भी जितना भी सामान है, कपड़े हो गए और श्रृंगार हो गया, चप्पल वगैरह है, शॉल है, जर्सी वगैरह, जितना भी बरीपुरी का सामान है, चूड़ी वगैरह, सब पूरा अच्छे से पैक कर देगी सूटकेस में। तो एक हमारा काम ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही सेट करके रख लेंगे, तो शादी वाले दिन कुछ हमें दिक्कत नहीं होगी। और सब सामान आराम से गाड़ी में रख के अरेंज करके ले जाएंगे तैयार वगैरह होने में भी। और अगर उसी दिन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अब क्या रहेगा कि अगर कुछ भी ऐसा रहेगा कि भाई छूट गया तो बैग में उसे उस टाइम पे ही डाल देंगे, वैसे तो छूटेगा नहीं क्योंकि मतलब 4 से 5 दिन पहले ही ये बैग लगा दिया जाता है हमारे यहाँ पे। तो अब यहाँ देखिए सूटकेस भी पैक हो गया, सामान उधर पैक हो गया, और जो फल के टोकरे वगैरह हैं वो उसी दिन आ जाएंगे, और जो सामान रहेगा छोटो मोटो वाला वो भी मैं ला करके सेट कर दूँगी। तो देखिए हमारी बरीपुरी भी लगभग हो गई रेडी। तो यहाँ पर इस तरीके से सूटकेस हमारा पैक हो चुका है, जो आजकल ये मार्केट में अच्छे अच्छे पैकिंग बैग आ रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी सामान था वो आज इधर से भाभी की तरफ चला जाएगा। कपड़े वगैरह जितने भी रखे हुए थे ये सब सामान मेरे ही घर में रखा हुआ था, तो आज इसे हम भाभी के घर पहुँचा देंगे और आज जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। चलो भाई चलो। कोई भी ले लो यहाँ से, तो ये छोरे की बुआ लेके चले यहाँ से, तो कोई भी ले सकता, मैं ले लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। बुआ बुआ पे ज़्यादा प्रेशर है, कोई बात नहीं। और आ जाओ लड्डू चप्पल पहनो फिर चले। करो भाई हाँ कर हाँ तो वो कैंसर बन गया था ना। चलो आ जाओ, वो मने कर दी थी इसके वजह से खत्म हो गया। चलो उतरो 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 निकलो, सवारी हो धीरे धीरे उतरो, गिरना चाहिए ये तो मार बैठा ना। चलो चलो, ए सरिता भाभी तुम तो आ गए। हाँ सिर पर रख ले, चल थोड़ी देर फोटो चलो। यहाँ पे आज जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, मतलब अच्छा दिन मानते जैसे मंडे का, तो मंडे का दिन है यहाँ पे, लगन लिखी है आज के दिन।
तो आज के दिन चूल्हे के लिए मिट्टी आती है तो वही लेने के लिए जाते हैं। गाँव में वगैरह में तो जैसे झोड़ वगैरह होती है वहाँ जाएंगे, यहाँ आज मंदिर में ही जाएंगे लेने के लिए।
हाँ देखिए, मंदिर पे पहुंच गए थे तो मिट्टी को मतलब ले जा करके ऐसे रख दिया था मंदिर में, तो अब वहाँ से ही यहाँ मतलब चौक वगैरह पूरेंगे, यहाँ से अच्छे से धो लिया भाभी ने, आटे से चौक लगाएंगे, उसके बाद में मिट्टी रख कर के ले जाएंगे। वहाँ पे क्या है, जो जोड़ वगैरह आती है तो वहाँ से खोद के लिए आते हैं गांव में, तो शहरों में कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए गांव से मिट्टी ला के यहाँ रख दी गई है पॉलिथीन में। तो मंदिर के बाहर से ऐसे पूजा करके उसके बाद ले आएंगे, ढोल बाजे के साथ में गए और आ करके इसके चूल्हे बनेंगे, जिनके बाँ निकलते हैं ना, जितने बाँ तो उतने ही चूल्हे और कुठले बनते हैं लड़के ही शादी। के घर आ गए, छत पे मिट्टी का ये चूल्हे बना रहे हैं, भाभी हैं, भाभी की देवरानी, दोनों देवरानी जेठानी बना रही हैं, पांच मेंबर लेके आए थे, पांच बाँ निकले हैं शुभम के, जितने बाँ निकलेंगे उतनी ही लेडीज मिट्टी लेकर के आती हैं और उतने ही चूल्हे बनेंगे, तो पांच छोटे छोटे नेक के लिए मतलब बनते हैं ये, छोटे छोटे बना रही हैं और एक कोठला बनेगा, ऐसे करके लड़के की शादी में बनते, लड़की की होती तो चूल्हे और कोठी बनती, इस तरीके से रिवाज है। तो ये पाँच दिन मतलब ये सूख जाएंगे, उसके बाद इन्हें शुभ जैसे पूजा वूजा होगी उस दिन पूजेंगे ये, उसके बाद फिर साल भर के लिए रख लिए जाएंगे। पर बोलते कि ना करिए, डॉक्टर ने जो
रिकॉर्डिंग पर गाना लगा दिए देखिए बेबे को छोड़े हो जब ये सब उतरेंगे ना तभी छोड़ा इसे छुट्टी है ये नर्सरी एल के जी से आगे ना बढ़ हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी कोई बर्तन नहीं।